हमारे इतने सालों की कोशिश, हमारी सैक्रिफाइसेस, कुछ ही घंटों में उस आदमी ने हमें वहां पहुंचा दिया जहां से हम शुरू हुए थे। सारा सिस्टम, सारी मशीनरी एक क्रिमिनल की एजेंट बनी हुई है और लोग आज भी चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं। जो जीता उसके साथ सच छूट गया भाड़ में। अभी हाल ही में सनी देओल की रिलीज हुई गदर 2 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बना दिए हैं और इसी के साथ सनी देओल की पिछली कई फिल्मों को लेकर बातें सामने आने लगी है। सुनने को मिल रहा है कि सनी देओल की आने वाले समय में हमें और भी कई बड़ी फिल्में देखने को मिल सकती हैं और आप सबको 2001 में रिलीज हुई इंडियन फिल्म तो याद होगी ही, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी कुछ अच्छा परफॉर्म किया था। अभी भी लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं और अब अपडेट आ रही है कि सनी देओल एक बार फिर से इंडियन 2 फिल्म के ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई इंडियन फिल्म का ही सीक्वल होगी, लेकिन फिल्म की कहानी में काफी बड़ा चेंज हो सकता है। सुनने को मिल रहा है कि फिल्म में सनी देओल एक आर्मी के ऑफिसर में देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी ये खबर पक्की नहीं है। आने वाले समय में मेकर्स की तरफ से फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ साथ ये अपडेट भी मिल जाएगा कि फिल्म की स्टोरी क्या हो सकती है। खैर, तब तक के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि फिल्म की स्टोरी को इसके फर्स्ट पार्ट से ही कंटिन्यू किया जाए, जिसमें सनी देओल किसी बड़े आतंकवादी को पकड़कर जेल में डालेंगे। लेकिन ये सभी अभी र्यूमर्स हैं। जब फिल्म को लेकर मेकर्स की तरफ से कुछ अपडेट आ जाएगा तब ये सारे र्यूमर्स कंफर्म हो जाएंगे। वहीं बात करें फिल्म की कास्टिंग की, तो फिल्म की कास्टिंग भी आपकी बार चेंज हो जाएगी, जिसमें सनी देओल तो हमें लीड रोल में देखने को मिलेंगे ही, लेकिन फिल्म की हीरोइन को लेकर काफी बड़ा चेंज किया जा सकता है। जहां पर पहले पार्ट में हमें हीरोइन के रोल में शिल्पा शेट्टी देखने को मिली थी, लेकिन इंडियन 2 फिल्म में अभी दूसरी कोई हीरोइन मिल सकती है देखने को, और हो सकता है कि साउथ से भी कोई बड़ा स्टार फिल्म में आ जाए। आने वाले समय में हमें फिल्म की कास्टिंग को लेकर बड़ा अपडेट मिल जाएगा। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो पहले पार्ट को एन महाराजन के डायरेक्शन बनाया गया था, इसलिए हो सकता है कि सेकंड पार्ट को भी एन महाराजन के डायरेक्शन में ही बना जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म की कास्टिंग के साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर को भी चेंज कर दिया जाए, लेकिन ज्यादातर लोग चाहेंगे कि अगर फिल्म की स्टोरी को इसके फर्स्ट पार्ट से ही कंटिन्यू किया जाता है तो एन महाराजन ही इस फिल्म को डायरेक्ट करें। वहीं बात करें फिल्म की रिलीज डेट की, तो अभी इस फिल्म के लिए हमें थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सनी देओल की फिल्म गदर 2 का मस्त धंधा चलता है, इसलिए 2024 तक सनी देओल किसी भी फिल्म को साइन नहीं करने वाले। लेकिन हो सकता है कि 2024 के लास्ट तक फिल्म की स्टोरी राइटिंग भी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हो सकता है कि सनी देओल इस फिल्म को साइन कर लें और 2025 में इस फिल्म की शूटिंग मैदान पर आ जाए। लेकिन 2025 में अगर फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है तो ये फिल्म हमें 2026 से पहले तो देखने को मिलने वाली है रही। लेकिन जो भी है, अगर फिल्म बनती है तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा देगी और गदर 2 फिल्म के बाद तो एक बार फिर सनी देओल लोगों के दिल पर छा गए हैं। और बैक टू बैक अगर सनी देओल की ऐसी फिल्म आ गई तो दोबारा से सनी देओल का स्टारडम लोगों के सिर पर चढ़कर बोलेगा। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक गुड बाय, अपना ख्याल रखें।